देखिए, ये चक्की में ये यहाँ लगती है बेल्ट, यहाँ लगती है बेल्ट, यहाँ लगती है नीचे मोटर, ये नीचे लगती है मोटर, और यहाँ लगता है साइक्लोन जो आटा ठंडे के लिए। और ये साइज तो अपने अनुसार ले लेना जो भी साइज है। और यहाँ पे लगते हैं ये यहाँ से ऐसे करके चलेगा, ये ऐसे ऐसे चलेंगे ये, तो इससे आटा भारी आएगा। और आटा अपने को चेंज करना है जाली वाली, तो कहीं नहीं करना, बस ये जाली है ना, इसको पकड़ के खींचना, और ये ऐसे जाली को इस टाइप से, जो भी जैसे आटा गेहूं का मक्की का, ये जैसे गेहूं की जाली है 2 नंबर, और ये 3 नंबर का जाली लगा दिया अपन ने, तो थोड़ा सा बड़ा आएगा आटा। और 1 नंबर लगा दो बिल्कुल मैदा, बिल्कुल जो मैदा आटा आता है ना, मैदा आटा आता है उस तरह। ये जाली लग गई, इसको ऐसे चलाते हैं, है ना, ये कस दिया यहाँ से, फिर चालू कर दिया। चालू करने के बाद यहाँ पे जो गेहूं का जो गाला रहता है, ये नट खोला, इसको यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से जितना अपने को गाला करना है, ये यहाँ पे चुंबक लगी रहती है, कुछ मिट्टी इट्टी ना जाए, इसलिए अब यहाँ से अपने को जितना गाला चाहिए इतना यहाँ से सेट कर दो वापस, है ना, 15 एम्पियर 20 एम्पियर तक चलाना चाहिए। उसके बाद में बस यहाँ से फिर आटा आएगा, कि यहाँ से आटा ऐसे आएगा नीचे, और यहाँ से एक चिमनी लगी हुई है, यहाँ से गैस निकलती है, ये गैस निकलती है, तो आटा मतलब वो हवा बहुत टाइट रहती है इसकी, बस इस टाइप की रहती है। और ये आटा देखिए, ये बिल्कुल मैदा, 1 नंबर डाली में मैदा, ये देखिए, ये बिल्कुल मैदा आटा आ जाएगा ये। और वो तो जाली के अनुसार, ये जैसे 1 नंबर जाली में मैदा आएगा तो इसमें 80 किलो पीस आएगा, 70 से 80 किलो इसमें मैदा आटा आएगा। उससे बड़ा अगर थोड़ा सा लेते हैं अपन, तो ये ऐसा पीसेंगे तो 10 की मोटर में, 10 की मोटर में ऐसा लेंगे तो 10 की मोटर में करीब 90 से 95 किलो आएगा, है ना। और ये मक्का का आटा, ये मक्का जो मक्का है ना सफ़ेद वाली टाइट, उसका आटा ये बिल्कुल मुलायम, ये है ना, ये मक्का का आटा। बस ये ठीक है, इस टाइप की है चक्की। और जैसी भी जाली अपने को लगाना है, 7 तरह की 8 तरह की जाली आती है, वो जाली लगा दो और चलाओ, ठीक है साहब, धन्यवाद, है ना। और एम्पियर लेता है, एम्पियर मीटर यहाँ ये 12-15 12-15 एम्पियर पे चलेगा, 12 से 15 एम्पियर पे चलेगा, 15-15 16-15 16 एम्पियर पे चलेगा, तो 90 किलो 70 किलो 80 किलो 90 तक पीस देगा। इसमें हल्दी मिर्ची सब पीसा जाती है, मिर्ची हल्दी सब पीसना, है ना, ठीक है साहब, धन्यवाद।